व्यापारी का हत्यारा गिरफ्तार, किया खुलासा। हल्द्वानी पुलिस ने बीते शुक्रवार को कलावती कॉलेज के व्यापारी भागीरथ सोयाल की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या के मामले का खुलासा हुआ है। एएसपी प्रीति प्रियदर्शनी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि भागीरथ सोयाल हत्याकांड के एक आरोपी राहुल गनेला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा आरोपी पवन पाल अभी फरार है। हत्या में इस्तेमाल किया गया डंडा और स्कूटी भी बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार व्यापारी भागीरथ सोयाल की हत्या का कारण लड़ाई झगड़ा है। भागीरथ के घर के सामने झगड़ा कर रहे लोगों को रोकने पर राहुल गनेला और पवन पाल ने डंडे से मारकर उसकी हत्या कर दी और पकड़ा गया। आरोपी राहुल मुक्तेश्वर का रहने वाला है, जबकि दूसरा फरार आरोपी पवन पाल हल्द्वानी का ही रहने वाला है। नव भारत समाचार हल्द्वानी उत्तराखंड से आशा रावत की रिपोर्ट। झगड़ा हुआ क्या कारण? ये बताने की पहले जो है शाम को उसने इनको मारा और झगड़े में बीच बचाव की भी कोशिश करी और फिर जब बीच बचाव नहीं हुआ तो उन्होंने उसने जो है मृतक ने इनको मारा भी था, तो उस वक्त तो ये वहाँ से भाग गए। बट फिर महिला कई जगह इधर उधर भागा, मुक्तेश्वर की भागने की सूचना है कि जब ये लगा कि पुलिस को जो है मुक्तेश्वर की भनक लग गई है, पुरानी रंजिश नहीं थी। ये बता रहे हैं कि उस दिन सब लोगों ने जो है कुछ थोड़ा बहुत किया ये 26 तारीख की घटना है। देर रात को सूचना आई थी एक मर्डर की, मौके पे पहुंच करके फिर वहाँ पर जो देखा गया कि एक व्यक्ति के साथ काफ़ी ज़्यादा मारपीट की गई है और उसको जब हॉस्पिटल लेकर के गए हैं तो हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते जो है उसकी मृत्यु हुई है। उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है, चार टीमें इसमें जो है लगाई गई थी और इसमें मामला ये आया है कि लड़कों में पहले मारपीट हुई है, उसके बाद में डिस्पर्स हो गए हैं वहाँ से, फिर उनमें से दो लड़के वापस आए और उन्होंने फिर मृतक के साथ में मारपीट करी। उसको लकड़ी की फंटी से भी बहुत मारा है, लाद से भी बहुत मारे हैं, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। इसमें एक जो अक्यूज है राहुल घनेला उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जिस स्कूटी से ये लोग भागे हैं वो भी इसमें जो है बरामद की गई है और साथ ही साथ जो दूसरा अक्यूज है उसके लिए भी हमारी में रवाना है, बहुत जल्द वो भी हमारी गिरफ्त में होगा और यही मैटर है। अपराधिक इतिहास अभी इन लोगों का खंगाला जा रहा है, सभी जगह से मंगाया जा रहा है, कोई अपराधिक इतिहास निकलता है तो इनके खिलाफ गुंडा या गैंगस्टर जैसा भी है वैसी कार्रवाई की जाएगी। वेपन एक्चुअली इन्होंने उसको लकड़ी की फंटी से मारा था तो उसका टुकड़ा वहाँ टूटा था, तो एक टुकड़ा तो हमें मौके से मिल गया था, दूसरा टुकड़ा अभी हमें नहीं मिला है, बट ये बता रहे हैं कि ये जो है उसको लेकर के जा रहे थे तो प्रॉबेबली एक टुकड़ा दूसरे व्यक्ति के पास हो सकता है।